ये शहीदी कुआं है, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था हिंदुओं पर, सिखों पर, तो वो अंग्रेजों के हाथ न मरते हुए वो उन्होंने अपने प्राण इस कुएं में त्याग दिए थे। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जो आपको बॉक्स में कैच दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इस वाला, हाँ, ये वाला वाइट वाइट, हाँ। ये यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो गोली चलाई गई उसके निशान है। कसम से, सही में, यस, ये चलो अपन दिखाएंगे, पास से दिखा के लाएंगे। चल 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 देख। अरे सो गाइस, गोलियों के निशान आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। भाई कसम से, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे गोलियां चली थी। इतनी पुरानी बिल्डिंग अभी तक है। और भाई ये वो कुआ है जब अंग्रेज हिंदुओं को मारने आया, जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था अंग्रेजों के हाथ ना मरते हुए। हमारे गाइड ही हमको सब कुछ बता पाएंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है के बारे में। जैसे अभी अपन ने देखा वहाँ पर, और भी आपको हमने कुछ छाया चित्र वगैरह दिखाए थे। छाया चित्र, अच्छा, चित्र। Five minutes later. आपको जो ईंटें दिखाई दे रही है उसी जमाने की ईंटें हैं। आप देख रहे हैं, नहीं हो गया, वही जमाने की, उसी जमाने की है। यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं किया गया है। सुनो तो इन्हें प्लास्टर करवा लेना, लेकिन नहीं, ये अपनी पुरानी जो उनका भैया शहीद हुआ था यहाँ पर, सर सब बहुत, और यहाँ पर भगत सिंह जी थे। गाइस गाइस मेरे गाइस, चलो ठीक है, मैं बता नहीं रहा पर बताने वाली बात थी। ये स्तंभ है अपना, ये वाला स्तंभ, स्तंभ मतलब यहाँ यहाँ शहीद हुए। नहीं नहीं, शहीद स्तंभ ये क्या है, स्मारक है, शहीद स्मारक। तो गाइस ये बरगद का पेड़ है, इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। भाई यही हो बरगद के पेड़ में, ये झाड़ उस समय से ही है। यो सही में कसम से, और गोलियों के निशान आज भी है। एक दो तीन चार सात आठ नौ दस बीस, ये निशान, ये आजाद, ये वही पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। कौन छुपेल था, चंद्रशेखर आजाद, आजाद उनके हाथों से। ये देखो आज भी वो सेल, देखो गोलियों की सेल दिख रही है उसमें। नहीं बस ये जगह है। गन कौन सी थी, रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर थी। और ये देखिए, हम उस टाइम में तो रिवॉल्वर ही चलती थी भाई, तमंचा देसी कट्टे चलते थे, हां देसी कट्टे चलते थे, नाल वाले भी। हां यार, तो ये झाड़ के पीछे छुपे थे क्या वो, इधर वाले बरगद का। हां ये गोलियों के निशान, ये ऊपर नीचे था, मतलब अभी हाइट हो गई इसलिए ये होगा सिस्टम। भाई पुराने अरे एक चीज मैं बताओ, पुराना जमाने में सीमेंट कहाँ होती थी, तो सीमेंट से बने ले। ये गुड़ और चूना जो उस समय जो था ना, चूने से बनी हुई है, रिपेयर करता रहे ऐसा थोड़ी नहीं, ये सब रिपेयर करे ले ये। लेकिन ये अब ये चीज अगर रिपेयर नहीं करेगा तो सब जर्जर हो जाएगा। लेकिन जो ईंटें जो उसी जमाने की है, मतलब उसको, हाँ वही मगर तो लगे होगी भाई, पब्लिक को भी लगेगा नहीं, मगर थोड़ी नहीं, क्योंकि वो असल लगे सीमेंट को, वही तो गुड़ और चूने से बनाई हुई दीवार है ये गाइस। पुराने जमाने के लोग सीमेंट यूज नहीं करते थे। ये कौन है, मतलब अच्छा है नाम ले लेते हैं, एकदम रखी गई है यहाँ पे, और इस साइड से मतलब है गुलाब कौर, गुलाब कौर खड़क सिंह आ गए। अस्थिया अस्थिया देख के मेरी आंखें नम हो गई थोड़ी सी, बिकॉज देश से मुझे बहुत प्यार है गाइस, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो। सो गाइस अभी आए हैं हम अमर ज्योति देखने, मतलब ये बिना किसी ऑयल या बिना किसी उसके जल रही है ऑटोमेटिक, मतलब कुदरती देन है ये जल रही है, ना कि इसमें गैस का यूज करा गया है, ना किसी प्रकार का कुछ भी, मतलब जल रही है, तो काफी आनंदमय लगा हम लोगों को।
सो गाइस नई जगह पे हम आ गए हैं, गोविंदगढ़ फोर्ट पे। भाई देखो कितना प्यारा महल है,